हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का ये जो ब्लॉग है ये होने वाला है बिहार की डिश पे। डिश मतलब ठेकुआ। मेन सभी लोग जानते होंगे ठेकुए के बारे में। तो आज बना रहे हैं हम लोग ठेकुआ। मन कर गया, बारिश का मौसम हो ही गया है तो बच्चे कह रहे हैं चलो कुछ मीठा खाते हैं। हमने कहा हाँ ठेकुआ खाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं। तो ठेकुए के लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। तो ठेकुए के लिए ले लिया है मैंने, सबसे पहले आटा लिया है। आटा 2 कटोरी आटा है ये, रेगुलर जो हम गेहूं का आटा यूज़ करते हैं रोटी के लिए वही आटा है ये। घी ले लिया है मोयन के लिए, और ये है सूजी 1/2 कटोरी, और 1 कटोरी है मैदा। आटा 2 कटोरी है, सूजी मैदा 1 कटोरी है, सूजी 1/2 कटोरी है। और साथ में मैंने ले लिया है ग्रेटेड नारियल सूखा वाला, और ये है चीनी जिसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम। तो चलिए आपके साथ ये इसकी फुल रेसिपी जो है शेयर की जाएगी। फुल रेसिपी मैं शेयर करूंगी कैसे कैसे बना रहे हैं हम लोग इसे। चलिए मिलते हैं। तो आटा ले लिया हमने, परात में डाल लिया आटा, मैदा, और ये 1/2 कटोरी, 2 कटोरी आटा, 1 कटोरी मैदा, और 1/2 कटोरी सूजी, और ये है ग्रेटेड नारियल। अब घी डाल लेंगे हम लोग इसमें। और इसका डो लगा रहे हैं मेरे हस्बैंड बिपिन सिंह। तो घी डाल लेंगे अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से, जैसे कि बस तो अब हम इसमें डालेंगे। अब अच्छे से मैश कर लिया हमने घी डाल करके, और इसको मुट्ठी बना के दिखाओ ना। मोन इतना होना चाहिए कि इसमें सॉफ्टनेस रहे, खाने में ज़्यादा कड़क ना हो, मुंह में ना लगे। और ये है दूध डाला है चीनी में, हम दूध से ही करते हैं, मतलब थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चीनी में दूध डाल लिया है थोड़ा सा इसको गीला करने के लिए, हल्का हल्का उसको चीनी को घोल लेंगे, और फिर हम डालेंगे इसमें। चीनी पूरी नहीं घोलनी होती है ठेकुए में, थोड़ी साबुत साबुत रहनी चाहिए चीनी, सारा इकट्ठा मत डालना। तो इधर ये तैयार ही हो चुका है, पूरा गूंधा नहीं जाता इसका आटे जैसा, ऐसे ही बस चीनी मिक्स करके घी वगैरह सब कुछ मिक्स करके ऐसे ही छोड़ देंगे हम इसे। और अब शुरू करेंगे इसके ठेकुआ बनाना, तब तक मैं कढ़ाई रख लूँ। तो जब तक यहाँ ये प्रोसेस चल रहा है तब तक मैं कढ़ाई रख लेती हूँ। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने गैस पे, इसको हम रिफाइंड में तलेंगे। थोड़ा सा पोपट हो गया है हमारा जो ठेकुआ बनाने का सांचा था वो मम्मी के आए, तो कोई नहीं हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इससे डिजाइन बना लेंगे कोई। दिखाते हैं इससे हल्का हल्का प्रेस करके, फॉक से बना लूंगी डिजाइन थोड़ा थोड़ा। ऑयल रिफाइंड चढ़ाया मैंने, गरम हो चुका है, हम इनको तलना शुरू करते हैं। एक साथ बहुत सारी डालेंगे, जितना आराम इजीली अलग हो जाए, बस 4 सारी डालती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे ना इसे। तो एक बार के तो मैंने निकाल लिए हैं ठेकुए,
और जो हमने डिज़ाइन इस पे किया था फॉक से, बहुत हल्का हल्का दिख रहा है। खैर डिज़ाइन नहीं भी होगा तो भी टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार चार करके डालूंगी, ज्यादा डालूंगी ना। इसकी मैं मीडियम यस ठीक हुए बन चुके हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। हमें दिखाती हूँ आपको कि कितने अच्छे टेस्टी बंची बने हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं ये। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी भी लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ठीक हुए हमारे बन चुके हैं और टेस्टी बने हैं, मेरे से रहा नहीं गया, मैं तो खा के देख चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं टेस्ट भी कर लिया है। और अब जा रहे हैं हम बच्चों की डिमांड पे घूमने के लिए, देखते हैं बाहर से ही कुछ खा पी के थोड़ा बहुत जो है आएंगे। बहुत दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाए, मैं तो गोलगप्पे खाने वाली हूँ, बाकी बच्चों का देखेंगे। मिलते हैं आपसे बाहर।